देखिए, अभी हम लोग आंकड़े देख रहे थे और उसमें बकायदा बताया गया कि कितने वैक्सीन भेजे जा चुके हैं, कितने उपयोग किए गए हैं, कितने पाइपलाइन में हैं। उसके बावजूद अगर आंकड़ों पे अगर कोई भरोसा नहीं करता है, आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। हम लोग तो इस पर राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार महाराष्ट्र की सरकार ने इसको मैनेज किया है, बहुत ही चिंताजनक है। देख रहे हैं कि वहाँ स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई है। अंततोगत्व केंद्रीय स्तर से भी हमारे नेताओं को वहाँ पे अब महसूस हो रहा है कि अब इन्वॉल्व होना पड़ेगा और चिंता करनी पड़ेगी। और हम लोग आश्वस्त हैं कि वैक्सीनेशन का पहला डोज़ काफ़ी लोगों ने ले लिया है और जल्द से जल्द दूसरे डोज को लेकर के भी जल्द से जल्द ये महामारी और संकट समाप्त हो, इस दिशा में हम लोग चिंता करेंगे। कोरोना वैक्सीन जो पॉलिसी है सरकार की, उस पर राहुल गांधी बोलते हैं कि इस पर डिबेट हो गए, फालतू बात है। अब राहुल जी को उनकी पार्टी ही सीरियसली नहीं लेती है, तो अब उनके ऊपर टिप्पणी करना हम लोग क्या ही समझेंगे। जब उनको चुनाव में कैंपेन करना चाहिए तो बैठ करके अमेरिका के राजनीतिज्ञों से बात करते हैं, हमारे देश की निंदा करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री की निंदा करते हैं। देखिए, घर परिवार की बात चार दीवार के अंदर सुलझाने वाली होती है, और अगर आपको कोई मतभेद है तो चुनावी मैदान में आइए, सामना करिए हमारा। चिंताजनक बात है। राहुल इंटायर रायपुर को 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। नंबर्स बढ़ रहे हैं गुरु प्रकाश जी, बहुत चिंताजनक बात है। निश्चित रूप से देखिए, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, यहाँ पे स्थिति अभी हम लोग देख रहे हैं काफ़ी गंभीर है। लेकिन चूंकि वैक्सीनेशन का पहला डोज आया है और एक प्रकार का सरकार को और सरकार की मशीनरी को एक अनुभव हो गया है, तो बेड की तैयारी हो, ऑक्सीजन की तैयारी हो, वेंटिलेटर की तैयारी हो, इसमें हमारा एक पुराना पूर्व का अनुभव है, तो मुझे लगता है कि बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कोविड टास्क फोर्स के जो हेड हैं, उनका कल मैं बयान देख रहा था कि आने वाले 2 हफ्ते काफ़ी क्रूशल रहने वाले हैं, तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हम सब कम से कम एहतियात बरतें, जहाँ संभव हो मास्क का निश्चित रूप से उपयोग करें, प्रयोग करें, सामाजिक दूरी, शारीरिक दूरी का पालन करें और सैनिटाइज़र का उपयोग करें, और वैक्सीनेशन जल्द से जल्द लगवाएं जो भी एलिजिबल हैं। आते हैं पॉलिटिकल बात पर। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है बीजेपी पर कि वो लाखों की संख्या में गुंडे गुंड बाहर से लाके बंगाल को जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये संभव नहीं है। पहले दिल्ली देखें, तब बंगाल को देखें। देखिए, ममता दीदी और उनके कार्यकर्ता अब हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं। जिस प्रकार अभी तक के फेजेस में जो बम्पर वोटिंग हुई है, उससे पश्चिम बंगाल की जनता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पिछले 10 वर्षों का कुशासन, भ्रष्टाचार, पॉलिटिकल किलिंग्स, सिंडिकेट मनी, कट मनी की जो कुप्रथा, कुसंस्कृति वहाँ बन गई थी, अब उससे लोगों को छुटकारा चाहिए। हमारे नेता वहाँ जाते हैं और कंस्ट्रक्टिव बातें करते हैं कि भाई, 7वें वेतन आयोग का रिकमेंडेशन लागू हो, महिलाओं को शासन प्रशासन में भागीदारी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, इन्वेस्टमेंट आए, और कैसे आयुष्मान भारत के तमाम केंद्रीय कल्याणकारी योजना जो आपने रोक के रखा था, उसको लागू करें और पश्चिम बंगाल की जनता को लाभ मिले। अमित शाह कहते हैं कि हमें उसे पूरा यकीन है कि पहला जो तीन फेज रहा उसमें 67 से 68 सीट भाजपा जीतेगी। वहीं ममता ने जिन्हें इसको तुरंत काउंटर किया, बोला कि हो सकता है कांग्रेस लेफ्ट की मदद से भाजपा 25 तक पहुंच जाए, उसमें तो शक्ति नहीं होगी, इसलिए खाली ब्लॉक बनाना बंद कर दिया। देखिए, कांग्रेस और लेफ्ट की मदद केंद्र सरकार या केंद्रीय स्तर पे कौन लेता है, हम सब जानते हैं। दिल्ली में हर मुद्दे पे आप साथ में बैठते हैं और पश्चिम बंगाल में राजनीति करने के लिए आप एक दूसरे से लड़ते हैं, तो राजनीति में नीति और सिद्धांत का एक स्थान होता है। आप लोग सारे के सारे नीति सिद्धांत के साथ समझौता करते हैं, उसका गला घोटते हैं, और जिस प्रकार से हम लोगों ने समाचार में देखा, अखबारों में देखा है कि जो TMC के नेता कार्यकर्ता ही गायब थे पोलिंग बूथ से, उनका कोई वहाँ पे माहौल ही नहीं था, उनको कोई वातावरण ही नहीं था। और पश्चिम बंगाल की जनता को अब आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं, उन्होंने देख लिया है आपका मॉडल, उन्होंने लेफ्ट का शासन देख लिया है, कांग्रेस का शासन देख लिया है। अब हम लोगों ने जो बात की है, ईश्वर चंद विद्यासागर जी का बंगाल, रविंद्रनाथ ठाकुर का बंगाल, उस बंगाल सुनार बांग्ला की कल्पना से हम लोग वहाँ गए हैं, और हम लोग आश्वस्त हैं और आशान्वित हैं कि आने वाले 2 मई को पश्चिम बंगाल की जनता भरपूर आशीर्वाद देगी और 2/3 बहुमत से हम लोग पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि TMC के गुंडे
कानून की जबरदस्त फेस करेंगे 2 मई के बाद, जैसा अभी उत्तर प्रदेश में हुआ। बिल्कुल न्याय होना चाहिए, और हमारे 130 कार्यकर्ता जिनकी निशंस हत्या कर दी गई है, बच्चे अनाथ हो गए हैं, महिलाएं विधवा हो गई हैं, आपने अब तक तो कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरुआत नहीं की, इंक्वायरी नहीं हो रही है, तो निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था का राज स्थापित होगा, और जितने भी टीएमसी के आड़ में एक्सटॉर्शन हो रहा है, पॉलिटिकल किलिंग्स हो रहे हैं, उन सबको हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कोर्ट में जल्द से जल्द प्रक्रिया शुरू हो और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सजा दी जाएगी। ये एक एक्सक्लूसिव लेटर सचिन वाजी ने अनिल को लिखा है कि अनिल देशमुख और अनिल परब उसको कहते थे कि मनी एक्सट्रैक्ट हो गया, इतनी गंभीर बात। देखिए, भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी स्टेट के पुलिस चीफ ने सिटिंग होम मिनिस्टर पे इस प्रकार की उगाही का आरोप लगाया है। हम लोगों ने करप्शन पहले भी देखा है, कांग्रेस का करप्शन हम लोगों ने देखा है, और कांग्रेस वहाँ भी सरकार में संलिप्तता में है, तो इस प्रकार की घटना के तह तक जाने की आवश्यकता है। NIA, CBI जल्द से जल्द इंक्वायरी करे और लोगों के सामने, महाराष्ट्र के लोगों के सामने, भारत के लोगों के सामने ये सच आना चाहिए कि किस प्रकार आप लोग सरकार के लिए, सत्ता बनाने के लिए साथ में आए थे, लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पे अब आपका विघटन होता स्पष्ट हो रहा है। स्टालिन ने आज इलेक्शन कमीशन में स्पष्टीकरण डाला, जिसमें अरुण जेटली। देखिए, राजनीति या राजनीतिक विमर्श में एक स्तर होता है, इतनी स्तरहीन बातें करना, मतलब मुझे तो बड़ा दुख होता है। हम लोगों ने ट्विटर पे देखा किस प्रकार स्वर्गीय जेटली जी के परिवार के लोग, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी के परिवार के लोगों को स्पष्टीकरण देना पड़ा, भाई आप गलत बोल रहे हैं, आप अस्पष्ट बोल रहे हैं, राजनीति में आप मुद्दे पे बात करिए ना। अब देखिए, DMK के जो स्टालिन जी हैं, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, आपके साथ UPA के साथ आप केंद्र सरकार में थे, UPA की केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को अपने पूरे के पूरे कार्यकाल में मात्र 1.25 लाख करोड़ दिया, वहीं NDA ने अब तक 6 लाख करोड़ से अधिक दिया है। मेट्रो की बात हो, एम्स की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो, रोड की बात हो, तो NDA की सरकार तमिलनाडु के कल्चर, तमिलनाडु के डेवलपमेंट के लिए प्रतिबद्ध है, और हम सब आश्वस्त हैं कि बहुत अच्छी संख्या में हम लोगों को वहाँ पे लोगों का आशीर्वाद मिलने वाला है। तो